Hello everybody, welcome to the online session of Manu Law Classes. My name is Brijesh, I am the English faculty at Manu Law Classes. In today's session, we are going to discuss five words which have been taken from the Hindu newspaper to ace your passage preparation and help you boost your confidence when it comes to vocabulary. Because most of the students, when it comes to vocabulary, do not know the meaning and they get dejected when they see a long passage. कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास ज्ञान हो शब्दों का, अदरवाइज आप पैसेज को पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सो यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द पैसेज. इसलिए इन द परसूट ऑफ द सेम लेट अस स्टार्ट द सीरीज टुडे. द फर्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज रिसर्जेंस. सो कभी भी किसी वर्ड के से पहले अगर आपको री वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है फिर से. दिस इज काइंड ऑफ अफिक्स. तो रिसर्जेंस मीन्स अ कॉन्टिन्यूइंग आफ्टर इंटरप्शन. कुछ हो गया था या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिससे कोई चीज़ रुक गया था, लेकिन अब वो हिंड्रेंस खत्म हो गया है और आप फिर से रिन्यू करने जा रहे हो अपने आप को या किसी प्रोसेस को, है ना. फॉर एग्जाम्पल, मेघना होप्ड फॉर सम रिसर्जेंस इन हर एनर्जी आफ्टर शी टुक अ नैप. कभी कभी आप काम करते करते बहुत थक जाते हो तो आप थोड़ा सा एक नैप लेते हो, छोटी सी नींद लेते हो, उसके बाद आप री एनर्जाइज हो जाते हो. सो रिसर्जेंस मीन्स टू ब्रिंग समथिंग बैक. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्मॉल टाउन रेस्टोरेंट नोटिस सम रिसर्जेंस इन द बिजनेस आफ्टर द शॉपिंग मॉल क्लोज. सो शॉपिंग मॉल खुल जाने से छोटे छोटे शॉप्स पे फर्क पड़ता है. तो यहाँ पे स्मॉल टाउन रेस्टोरेंट में हुआ क्या था, जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ शॉपिंग मॉल, पीपल वेंट देयर, एट देयर, सो हिज बिजनेस वॉज लिटिल डाउन. बट एक रिसर्जेंस आया, मतलब पुनः गति आई, चीज़ें फिर से अच्छी हुई जब शॉपिंग मॉल बंद हो गया. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म रिसर्जेंस. सिनोनिम्स आर रिवाइवल एंड रिकवरी एंड एंटोनिम इज फेलियर. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज इंड्यूस. इंड्यूस मीन्स किसी को कन्विंस करना, परसुएट करना. बहुत ही अच्छा वर्ड है एंड इट इज डायरेक्टली इंटरचेंजेबल विथ परसूड. सो परसूड मीन्स मनाना किसी को किसी काम के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एवरी अटेम्प्ट टू इंड्यूस डैड, पापा को मना रहे हैं किस बात के लिए, टू लेंड अस हिज कार, हमें उन्हें उनका कार चाहिए, फेल्ड, नहीं सक्सेस हुआ. क्यों? क्योंकि ही फियर्ड, उन्हें डर इस बात का था कि वी वुड एंडेंजर आवर लाइफ. तो पापा को हमारी चिंता होती है एंड दैट इज़ वाई कार नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम कार ड्राइव करेंगे तो हमारी लाइफ को खतरा है, क्योंकि अभी हम उस एज के नहीं हैं एज पर दिस कॉन्टेक्स्ट बेसिकली. सो इंड्यूस मतलब दे वर ट्राइंग टू परसुएड देयर फादर टू गिव देम हिज कार. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नथिंग कुड इंड्यूज हिम टू चेंज हिज माइंड. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब उसे कन्विंस करे या परसुएट करे कि वो अपना चेंज करे माइंड. वो कुछ भी हो सकता है विद रिगार्ड्स टू करियर और एनीथिंग. सिनोनिम्स आर कन्विंस एंड गेट. एंटोनिम इज डिसुएड. सो परसुएड एंड डिसुएड. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज अवर्ट. अवर्ट इज डायरेक्टली इंटरचेंजेबल विद प्रिवेंट. सो कभी कभी सिनोनिम्स आइडिया होते हैं, डायरेक्टली इंटरचेंजेबल नहीं होते, बट यहाँ पे प्रिवेंट एंड अवर्ट बोथ आर इंटरचेंजेबल. फॉर एग्जाम्पल, एफर्ट्स आर अंडर वे टू अवर्ट द डिजास्टर. मतलब किसी भी तरह का डिजास्टर जो कि फोर्सी किया जा सकता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल इज ही मैनेज्ड टू अवर्ट द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री. मतलब एक ऐसा समय आ गया था कि फैक्ट्री बंद होने वाली थी, लेकिन उसने मैनेज कर लिया, किसी तरह फैक्ट्री को बंद होने से बचा लिया, प्रिवेंट कर लिया. एग्जाम्पल फॉर सिनोनिम्स आर स्टॉप एंड अवॉइड एंड एंटोनिम इज एड. द नेक्स्ट वर्ड इन द लिस्ट इज नेफेरियस. नेफेरियस एक नेगेटिव टर्म है, सुनने से ही ऐसा लग रहा है. नेफेरियस मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी एविल और विकेड, बहुत ही क्रूर इंसान. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हुआ है यहाँ पर. सो फॉर एग्जाम्पल, एक्टिवेटिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जैसे अगर आप ईमेल लॉगिन करते हो, सो एन OTP फैसिलिटी इज ऑल्सो गिवेन कि कोई आपके ईमेल को कोई और एक्सेस ना कर सके, विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर ईमेल फ्रॉम नेफेरियस एक्शन ऑफ हैकर. सो जो बुरे इरादे होते हैं हैकर्स के, उसको बचाने के लिए दो स्टेप की ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है. द अनदर एग्जाम्पल इज ही वॉज यूनिवर्सली फियर्ड, है ना. मतलब लोग पूरी दुनिया में उससे डरते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज नेफेरियस डीड, उसके जो खतरनाक काम है उससे. सो सिनोनिम्स आर एविल एंड सिनफुल. एंटोनिम इज गुड.
The last word in the list is embark. Embark मतलब to set in, do something. So begin, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है. For example, in the book's sequel, book का जो sequel आने वाला है, या जैसे book से ही movies बनती है, तो movie के भी जो sequel आते हैं, the protagonist will embark upon. So embark upon is a good phrasal verb. हमेशा ध्यान रखिए embark के बाद upon आता है. So embark upon the second part of his journey, मतलब वो begin करेगा. So whenever you use begin, you can use embark upon the second part of his journey to destroy the evil ring, जैसा कि फिल्मों में होता है. The another example is the on their anniversary, my parents will embark on. तो यहाँ पे देखो embark on भी आया हुआ है. So upon, on, both have the same meaning here. So embark on a trip around the world. ठीक है. So वो they will set to go to world tour on their anniversary. Synonyms are start and commence, and commencement and commence. Remember this word. This is also important. Antonym is end. So I hope you understood all these terms. Let us recall what words we discussed today. The first word in the list was resurgence, means किसी चीज़ की फिर से शुरुआत करना because of some hindrance or किसी भी कारण से कोई चीज़ रुक गई थी, अभी हम उसे फिर से शुरू करने जा रहे हैं. The second example was induce, like dark is inducive to sleep. अगर आप अंधेरे में हो आपको नींद लग जाती है. So because dark is inducive to sleep, dark जो है वो आपको convince कर लेता है कि अब सो जाओ. थर्ड वर्ड इन द लिस्ट वॉज अवर्ट, इट मीन्स प्रिवेंट, रोकथाम करना. नेफेरियस मीन्स कोई बुरा काम, बुरा व्यक्ति. और इम्बार्क मीन्स टू बिगिन, टू सेट ऑन अ जर्नी. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स डिस्कस्ड हियर. मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग द वीडियो विद द वीडियो एंड नोटिंग डाउन द वर्ड्स इन योर वोकैब बुक. डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन लॉ, जी के, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच आर वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर क्लैट, एलेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस आवर ऑन आवर सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू.